नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। गोल प्रतिभा खोज परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका, 13 फरवरी तक छात्र भर सकते हैं फॉर्म। छात्रों में गोल प्रतिभा खोज परीक्षा के जुनून को देखते हुए फॉर्म भरने की तिथि 13 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि गोल संस्थान द्वारा GTSE 11 वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से 6ठी से 10वीं तक के सभी छात्र तथा 11वीं और 12वीं से साइंस स्ट्रीम के छात्र भाग लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए अब तक लगभग 18,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने GTSE का फॉर्म भरा है। GTSE के तहत सभी छात्र अपनी प्रतिभा को सही पहचान दे सकते हैं और ऑल इंडिया जैसे मेडिकल कंपटीशन, इंजीनियरिंग तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। विगत 11 वर्षों से GTSE के छात्रों ने IIT, NIT, NEET, सिविल सर्विसेज, CLAT तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर एक अलग पहचान बनाई है। 12वीं पास के लिए खुशखबरी, CISF के इन पदों पर निकली भर्ती, 69,000 तक मिलेगी सैलरी। 12वीं पास के लिए अच्छी खबर है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 1149 पदों पर वैकेंसी निकली है। CISF ने कांस्टेबल फायरमैन भर्ती के लिए 12वीं पास योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट CISF.RECTT.IN पर डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार जारी नोटिफिकेशन में सभी डिटेल्स चेक कर आवेदन दर्ज कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 29 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है, जबकि आवेदन दर्ज करने की लास्ट डेट 4 मार्च 2022 है। साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 3 के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जिसमें आरक्षित कैंडिडेट के लिए छूट का भी प्रावधान है। पटना वीमेंस कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल चुनाव, जानिए कब क्या होगा। पटना वीमेंस कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बता दें ये प्रक्रिया 22 फरवरी से शुरू हो रही है। कॉलेज प्रशासन ने बुधवार को इलेक्शन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में 26 फरवरी को इलेक्शन की तारीख निर्धारित की गई है। वहीं इससे पहले 22 फरवरी को ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इसमें BA और BSc सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए 10 बजे से 10:30 बजे तक का समय किया गया है। दूसरी तरफ BCom और वोकेशनल सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए 11 बजे से 11:30 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। इसके बाद 23 फरवरी को इंटरव्यू, नॉमिनेशन और नामांकन वापसी की प्रक्रिया चलेगी। इंटरव्यू सुबह 9:15 से 11 बजे तक चलेगी, जबकि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन के लिए समय तय किया गया है। सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालने पर भड़के शिवदीप लांडे, गलत पोस्ट डालने वालों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो और सूचना डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोसी रेंज के DIG शिवदीप लांडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के सहारे फर्जी वीडियो प्रसारित कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा के मौके पर पत्थरगढ़ के लहौना गांव में एक समुदाय विशेष के साथ मारपीट का वीडियो पूरी तरह फर्जी है। जांच के बाद यह पता चला कि लाहौनी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उक्त वीडियो जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल किया, उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। DIG ने कहा कि यह वीडियो 41,000 लोगों तक कैसे पहुंच गया, इस वीडियो को शेयर करने वाले 76 लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सहरसा में SP लिपि सिंह के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवदीप लांडे ने बताया कि आरोपी द्वारा यह वीडियो CM को शेयर कर पूछा गया है कि क्या यही सुशासन है। DIG ने कहा कि इस वीडियो में मेरा नाम भी शामिल किया गया है, इसीलिए इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराया। उन्होंने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर कोई फर्जी वीडियो डालेगा तो पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पटना हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई, सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश। पटना हाईकोर्ट में राज्य के राष्ट्रीयकृत प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर सुनवाई 21 अप्रैल 2022 को की जाएगी। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फिर 4 सप्ताह का मोहलत हलफनामा दायर करने के लिए दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत दिया। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर कुछ शर्तों को भी रखा था। इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे। पटना में देर रात थाने में हाजिर हुए खान सर, आरआरबी एनटीपीसी मामले में दी सफाई। आरआरबी और एनटीपीसी बहाली को लेकर छात्रों के आंदोलन के मामले में फंसे पटना के बहुचर्चित खान सर पत्रकार नगर थाने में फैजल खान उर्फ खान सर देर रात उपस्थित हुए। बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हुए बवाल मामले में खान सर के बयान के आधार पर पुलिस ने सभी शिक्षकों पर नामजद रिपोर्ट कर नोटिस भेजा था। इसी क्रम में फैजल खान उर्फ खान सर पत्रकार नगर थाने में उपस्थित हुए थे। बता दें पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद नोटिस पर हस्ताक्षर करवाकर सारी हिदायतें दी हैं। गौरतलब है कि 24 जनवरी को राजेंद्र नगर टर्मिनल पर छात्रों ने जमकर बवाल किया था और पत्थरबाजी भी की थी। इस मामले में मौके से 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया था। छात्रों ने पूछताछ के क्रम में पुलिस को बताया था कि खान सर समेत 6 शिक्षकों ने हंगामा करने के लिए उकसाया था। बयान के आधार पर पुलिस ने सभी शिक्षकों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर नोटिस भेजा था। इसी क्रम में फैजल खान और खान सर पत्रकार नगर थाने में उपस्थित हुए थे। वहीं पुलिस ने खान सर को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है वह बिहार छोड़ दूसरे राज्य को नहीं जा सकते हैं। यही नहीं, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को भी नहीं धमकाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जांच में अपना सहयोग करने को कहा गया है। खान सर ने भी पुलिस को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, नहीं मिलेगी ठंड से राहत, कई जिलों में बारिश की चेतावनी। पटना सहित बिहार के कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिलों में सर्दी के मौसम के दौरान बीते दिनों बारिश को देखने को मिली, वहीं अब मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य में पूर्वी हवा बंद होकर पछुआ हवा चलने लगी है। पर्वतीय राज्यों से आ रही उत्तर पछुआ हवा से पटना सहित पूरे राज्य के अधिकतर जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार में बुधवार और गुरुवार को अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना, गुरुवार को राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में उद्योग मंत्री के रूप में शाहनवाज हुसैन ने पूरे किए 1 साल, सीएम नीतीश और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उद्योग मंत्री के रूप में 1 साल पूरे होने पर उद्योग क्षेत्र में बिहार की उपलब्धि का पत्र उन्हें सौंपा। साथ ही उनसे बिहार में उद्योगों के विस्तार पर चर्चा की। 10 फरवरी को बिहार के उद्योग मंत्री के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1 साल पूरे किए हैं। इस मौके पर उद्योग विभाग की साल भर की उपलब्धियों पर उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन हुआ, जिसकी एक प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पेंटिंग भी भेंट की। इधर बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के आवास पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ ही सरकार आवास में भी गृह प्रवेश पर बधाई दी। अपने सरकारी आवास पर महामहिम राज्यपाल का स्वागत करने के साथ उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें उद्योग संवाद पत्रिका भेंट की, जिसमें बिहार के 1 साल के औद्योगिक सफर और राज्य के औद्योगिक विकास के लिए की गई कोशिशों व उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। नीट 2022 के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेगा विंग्स एडवेंचर, परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा लाभ। नीट 2022 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पटना का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान विंग्स एडवेंचर आगामी 24 फरवरी से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह क्रैश कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें नीट का पूरा सिलेबस समयबद्ध तरीके से देश के प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट
के साथ ऑल इंडिया फुल टेस्ट सीरीज भी छात्रों को दी जाएगी ताकि नीट की परीक्षा से पहले ही छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस मिल सके। इस क्रैश कोर्स से रेगुलर डाउट सेशन के जरिए भी छात्रों के नॉलेज को परिपक्व किया जाएगा। विंग्स प्रत्येक छात्र को पर्सनल केयर प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह कोर्स 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके या देने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो उनके डॉक्टर बनने के लिए सपने की हकीकत में बदलने में कारगर होगा। इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए आज स्कॉलरशिप सह एडमिशन टेस्ट के विंग्स की वेबसाइट www.wingsedu.org.in पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित विंग्स एडवेंचर की शाखा पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को मिली DCGI की अनुमति। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही काफी है। देश को एक और नौवां नया हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही देश में अब कोरोना की कुल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को इससे और मजबूती मिलेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। रूस में बने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।